जैसा कि नाम से हमको पता पड़ रहा है कि इससे टू पोर्ट नेटवर्क यानी कि दो पोर्ट हैं, दो पोर्ट इस तरीके के हैं। अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम जैसा बनाऊं तो एक इनपुट पोर्ट है, इसी प्रकार से V2 आउटपुट वोल्टेज होगी और I2 आउटपुट का। V1 प्लस माइनस किस तरीके से नोटेशन किए हैं उसी तरह से हमको यहाँ पर रखना है। I1 इनपुट करंट अंदर की तरफ जाते हुए है और I2 भी अंदर की तरफ इस सर्किट में जाते हुए। इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे अगर देखें हम यहाँ पर तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका हम यहाँ पर आज के लेक्चर में देखेंगे। जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, एच पैरामीटर, ये डिपेंड करेगा इनके कॉम्बिनेशंस पे कि किस तरीके से हम पी और आई के कॉम्बिनेशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल यदि V1 ये फंक्शन ऑफ I1 I2 अगर हम करें कहने का मतलब ये है कि V1 और V2 के मान डिपेंड कर रहे हैं I1 और I2 में, तो I1 और I2 ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए और V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आज की क्लास में हम केवल जेड पैरामीटर के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम यहाँ पर आज देखेंगे कि क्या है, इसको मिटाना होगा। ये किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2, V2 is equal to Z21 I1 Z22। तो Z11, Z12, Z21, Z22 ये आपके Z पैरामीटर हुए। इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो उसको इस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो मान निकालने के लिए अगर हम देखें यहाँ पर Z11 इस इक्वेशन में Z11 कब निकाल सकते हैं हम, जब V1 अपॉन I1 का रेशियो है प्रोवाइडेड I2 इज इक्वल टू 0। क्या मतलब निकला इसका, का मतलब है आउटपुट टर्मिनल ओपन,
आई जब आउटपुट को हम ओपन करेंगे उस समय वी वन और आई वन का जो रेशियो है वो जेड वन वन होगा। सिमिलरली जेड वन टू वी वन अपॉन आई टू वेन आई वन जीरो, इसका क्या मतलब हुआ इनपुट ओपन। इसी प्रकार से जेड टू वन निकालना हो तो वी टू अपॉन I1 when I2 0 same output open and Z22 nikalna ho to V2 upon I2 when I1 0 that means input port 0। हमने क्या देखा यहाँ पर जेड पैरामीटर निकालने के लिए चाहे तो हमको इनपुट पोर्ट को ओपन करना पड़ रहा है या आउटपुट पोर्ट को ओपन करना पड़ रहा है तो ये जेड पैरामीटर आपके दूसरा नाम होगा ओपन सर्किट पैरामीटर। किस तरीके से ये जेड पैरामीटर निकलेंगे किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। यह आपका एक टू पोर्ट नेटवर्क है के लिए हम आपको जेड पैरामीटर्स का मान निकालना है तो जेड वन वन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको वी वन अपॉन आई वन व्हेन आई टू इक्वल टू जीरो। आई टू जीरो का क्या मतलब हुआ ओपन करना पड़ेगा किसको आउटपुट पोर्ट को, यानी हमने जब आउटपुट को ओपन किया क्लियर हुआ कुछ यस सर। दूसरा पैरामीटर हम देखते हैं जेड वन टू। जेड वन टू है वी वन अपॉन आई टू व्हेन आई वन इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में यहां पर क्या पढ़ेंगे हम आई वन को जीरो कर देते हैं क्योंकि V B और I का रेशियो है इसलिए यूनिट इसकी रहेगी ओ। तीसरा पैरामीटर था जेड टू वन
V2 अपॉन I1 का मान निकालना है व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। उस कंडीशन में I2 को 0 किया और मान चाहिए तो V2 अपॉन I1 का, ये V2 शिफ्ट होके यहां पर आ गया, V2 इज इक्वल टू 5 I1 V2 अपॉन I1 Z22 क्या आएगा? V2 upon I2 when I1 0 का क्या मतलब हुआ? इनपुट ओपन, V2 upon I2 का मान निकालना है। Z22 अपना नया अगेन 7। तो आज हमने जेट पैरामीटर के बारे में पढ़ा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करी है, उसके अलावा इससे रिलेटेड अपने को और भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आज आज एक होमवर्क कर लो, उसको सॉल्व कर। कैसा है?